मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश शासन के NVDA की आर्बिट्रेटर श्रीमती अलका सिरोही एवं कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने शनिवार को इंदौर संभाग के बड़वानी जिले की पुनर्वास स्थल एकलरा बोरलाय वन तथा सरकार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम सैमलिया खोदरा में लगाए गए वन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्री अजय यादव भी थे। निरीक्षण के दौरान श्रीमती अलका सिरोही एवं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने पुनर्वास स्थल एकलरा एवं बोरलाय वन का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने रहवासियों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर मौके पर ही उपस्थित NVDA के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान अधिकारी द्वय ने रहवासियों से जाना कि उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गए हैं या नहीं। इस पर अधिकांश रहवासियों ने बताया कि उनके घर परिवार में सभी लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। जिनका द्वितीय वैक्सीन अभी नहीं लगा है उनका अभी द्वितीय वैक्सीनेशन कराने की पात्रता तिथि नहीं आई है। अधिकारी द्वय ने निरीक्षण के दौरान ग्राम सीमलिया खुदरा पहुंचकर सरकार सरोवर की परियोजना से डूब प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि पर किए गए पौधारोपण को भी देखा एवं मौके पर उपस्थित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन मंडलाधिकारी बड़वानी श्री SL भार्गव से जानकारी प्राप्त की कि इस स्थल पर कौन कौन से प्रजातियों के पौधे लगे हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है और कितने समय में यह पौधा बढ़कर वन का स्वरूप ले लेगा। इस पर वन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पौधों की बढ़वार अवश्य कम है, किंतु पौधों की सुरक्षा और देखभाल के कारण वे लगातार बढ़वार कर रहे हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, SDM बड़वानी श्री घनश्याम धनगर, श्रीमती सपना जैन, NVDA के कार्यपालन यंत्री श्री SS चौंगड़ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जाहिद खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।